शादी के 3 महीने बाद पवन सिंह इतने बदल जाएंगे अक्षरा सिंह ने कभी सोचा नहीं था। आजकल अक्षरा अपने जीवन में नई संभावनाओं को तलाश रही है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। पवन अक्षरा एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, तो हम कहेंगे बीते कुछ दिनों से अगर आपने ये गौर नहीं किया है तो अब गौर कीजिए कि पवन और अक्षरा के बीच अच्छी खासी दूरियां आ गई हैं। इन दिनों पवन अपनी पत्नी ज्योति के साथ कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं और ज्यादातर उनकी फोटोग्राफ्स अब अपनी पत्नी ज्योति के साथ ही आती हैं। वैसे ये बुरी बात भी नहीं है, इंसान शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ दिखे वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब नए रिश्ते जुड़े तो पुराने रिश्तों को दरकिनार नहीं किया जाता। जिस तरह से पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ किया वो सरासर गलत ही लगता है। कहीं न कहीं पवन के फैंस इस बात से बहुत आहत हैं कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के बजाय ज्योति सिंह से शादी की। खैर ये बीते दिनों की बात हुई, लेकिन अब जो पवन सिंह कर रहे हैं वो अपनी बीती गलतियों से भी बुरा कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो पवन सिंह की एक साथ 4 फिल्में अनाउंस हुई थी और ज्यादातर फिल्मों में अक्षरा उनके साथ हीरोइन थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पवन धीरे धीरे एक एक कर सारी फिल्मों से अक्षरा का पत्ता काटते जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है फिल्म शपथ का, जहां पहले अक्षरा सिंह नजर आने वाली थी, लेकिन अब अक्षरा सिंह के बजाय उस फिल्म में काजल यादव नजर आएंगी। शायद इन सब से आहत होकर अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये लिखा, कदम बढ़ा चुकी हूँ अब नए सिरे से शुरुआत के लिए। इन सब चीजों में अक्षरा सिंह का दर्द और साथ ही साथ उनके जीवन को लेकर उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। खैर चाहे जो भी हो, लेकिन इन सब चीजों ने अक्षरा सिंह का कद उनके फैंस के नजर में बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से अक्षरा सिंह ने अपने समझदारी से और अपने सूझबूझ से अपने और पवन के रिश्ते को पूर्ण विराम दिया है वो काबिले तारीफ है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।